अशोकनगर के स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन हाथों में देने और उनसे ही बर्तन धुलवाने का मामला सामने आया है, जिसकी कुछ ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की। ग्रामीण इलाकों में इन बच्चों के साथ बहुत ही दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। अशोकनगर के डेकन गांव में स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन हाथों में देने और उनसे ही बर्तन धुलवाने के मामले में ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्टर से शिकायत की और इसका वीडियो भी दिखाया, जिसमें बच्चों को बर्तन की जगह हाथों में रोटियां दी जा रही हैं, जिसके बाद हैंडपंप पर बच्चे खुद ही बर्तन साफ कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर बच्चों को खाना देते समय सही व्यवहार न करने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। क्योंकि ये मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया, ये आपने ही मुझे ये वीडियो दिखाया है, ना मैंने अभी मोबाइल पर देखा अभी तक। अभी अपने शाम के 6:15 बज रहे हैं, लेकिन मेरे सामने तो ये वीडियो नहीं आया। आपने ये दिखाया है वीडियो, तो अगर ये वीडियो सत्य है इसकी हम जाँच करवा लेते हैं, जांच करवा पे इस वक्त तत्काल कार्रवाई करेंगे। अगर बच्चों को हाथों में रोटियां देने का कोई प्रावधान ही नहीं है, बकायदा सभी स्कूलों में थालियां हैं, गिलास हैं, उसमें खाना परोस कर दिया जाता है। अगर कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन आया है तो कलेक्टर साहब मुझे या श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय या जो हमारा मध्याह्न का काम जो जिला पंचायत के द्वारा देखा जाता है सभी जगह भेजा जाएगा और तत्काल ही कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा मामला। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।